इतनी अच्छी शानदार सभा आपने आप आयोजित की। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हर काम में आपको मिलेंगी, करीब 40 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, उनके फेडरेशन की तरफ से जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ, आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हम पहले से ही इस आंदोलन में शामिल हैं और आपके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और आपसे भी उम्मीद है कि आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में हमारा साथ दें। मैं एक बार जो अभी तक नहीं आई है उसे कहना चाह रही हूँ कि इसके साथ साथ कि हमारे देश की जो नीतियाँ हैं, जो सरकारें बनातियाँ हैं, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे एनडीए की हो, कि लगातार एजुकेशन में और एजुकेशन इन जनरल में कटौतियों कर रहे हैं। पब्लिक फंडिंग के बगैर आप शिक्षा को हर नागरिक तक नहीं पहुंचा सकते, आप गुणवत्ता नहीं पहुंचा सकते और जिस तरह से निजीकरण हो रहा है उसके साथ साथ आप देखेंगे कि 99% हिंदुस्तानी शिक्षा के दायरे से बाहर हो जाएंगे, फॉर्मल शिक्षा के दायरे से कम्प्लीटली बाहर हो जाएंगे। और ये जो साजिश चलती आ रही है आप देखेंगे जिस तरह से यूपीसी में प्रदर्शन कर रहा है छात्रों का कि रिसर्च में कटौती कर दी उन्होंने, इसी तरह से उन्होंने लगातार 20 साल को उन्होंने करीब 17-18 हज़ार करोड़ रुपया एब्सोल्यूट टर्म्स में कटौती की है यूजीसी के हायर एजुकेशन के बजट में। और कभी कहते हैं कि हम ट्रस्ट कॉलेजेस में 5% कम कर रहे हैं, इसमें किसी बहाने को कम करना ही है, परमानेंट अपॉइंटमेंट सबसे बंद करके रखी है, लाखों पद खाली पड़े पूरे देश में, स्कूलों में भी इन्होंने सबसे पहले स्कूलों में कहा दिया, स्कूली शिक्षा ऐसी नहीं थी जो आज है। अगर आप किसी क्लासरूम में जाए, हमारे स्टूडेंट जाते हैं अभियान में, तो क्लासरूम में किसी कॉलेज में पूछते हैं कि आप में से कितने बच्चों के माँ बाप सरकारी स्कूल से आए थे, और वहाँ पे सारे हाथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब आप पूछेंगे कि आप में से कितने बच्चे सरकारी स्कूल से आए हैं, एक भी हाथ खड़ा नहीं हुआ उस क्लास में, तो आपको ये दिखाता है कि इतने सालों में सरकारी शिक्षा सरकारी स्कूलों में क्यों गिरा पड़ा है, जहाँ से मनमोहन सिंह अब्दुल कलाम और रमन्ना जी सारे हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक बड़े बड़े लीडर निकल के आए सरकारी स्कूलों से, बेहतरीन शिक्षा वहाँ पर मिली थी, तो क्या हुआ इस बीच में इस शिक्षा को बर्बाद किया गया, जानबूझ के इसको बर्बाद किया गया। और अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये किया गया, ये सिर्फ हमारे अपने हिंदुस्तान के जो नेता की नीयत खराब होने की वजह से नहीं हुआ है साथियों, इसमें बहुत बड़ी साजिश है अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक तरह की वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की जो साजिश है। और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान होने के बाद 1947 के बाद जो पूंजीवादी देश है उन्होंने हमारे देश को नहीं छोड़ा, जब उनकी इकॉनॉमी थोड़ी सी संभली वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उसमें उन्होंने वही प्रहार दोबारा शुरू कर दिया तरह तरह से, एक बहाना था कि आप बड़े बड़े लोन देने आए हुए वर्ल्ड बैंक वगैरह इस तरह की संस्थाओं से, और जब आप जिनके ऊपर बड़े बड़े पूंजीवादी देश पूरी तरह से हावी है इंटरनेशनल संस्थाओं में, यूएन तक पे हावी है, और उनके थ्रू आपने जब लोन दिए अपने फाइनेंशियल ताकि दिया उसके साथ कंडीशन लगा दे जाए, कंडीशन लगा के आपको स्कूलों में टीचर की क्या जरूरत है, प्राइवेट टीचर लगा लो, 10वीं पास लगा लो, 10वीं पे लगा लो, इतने टीचर की क्या जरूरत है, इससे कम से काम चला लो, 4 टीचर की क्या जरूरत है, 2 से काम चला लो, 1 से काम चला लो, इस तरह से उन्होंने जो कटौती हमारे एजुकेशन बजट में करवाई, और फिर हायर एजुकेशन को कहते हैं ये तो प्राइवेट गुड्स है, ये मेरिट गुड नहीं है, पब्लिक गुड नहीं है, जिसको चाहिए वो पैसा दे के, ये उन्होंने 1980 से शुरू कर दिया था, हमने लगातार इसका विरोध किया है सारे यूनिवर्सिटी में मिलकर और इसको रोक के गए। दूसरा उन्होंने कोशिश की 1990s में कि एक स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, ये बहुत बड़ी तलवार है, बहुत बड़ी साजिश है जो अंदर से होता कर रही है हमारे कॉमन एजुकेशन को। आपको अगर वोकेशन एजुकेशन मजबूत करनी है, अलग से जो वोकेशन हमारे इंस्टीट्यूशन है उनमें पैसा देके मजबूत कीजिए, इंडिया में कम से कम आधा पैसा वोकेशन एजुकेशन में जाता है, आधा जाता है जनरल एजुकेशन में, और पैसा इतना जाता है कि वहाँ पे बेस्ट पेड एम्प्लॉयज होते हैं, स्कूल के टीचर और कॉलेज के टीचर, और उसके बाद हर बच्चे को केजी से पीजी तक पूरी मुफ्त शिक्षा मिलती है। आपको अगर बाहर देशों की तरफ देखना है तो आप इंडिया का मॉडल क्यों ले रहे हैं, आपको अमरीका का फेल मॉडल क्यों लेना है, जहाँ पे बुरा हाल हो गया शिक्षा का, जहाँ पे स्टूडेंट डेट जो है 1.36 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चली
सिर्फ बढ़ा दी है, वहाँ पे कोई बड़ा संघ आंदोलन उसके बाद आज तक नहीं हो पाया है, चाहे वो काम के बारे में हो, चाहे वो जॉब के बारे में, चाहे वो उनकी अपनी एजुकेशन पॉलिसी या अफ्रीका में लूटने के बारे में हो। तो अभी हम देखेंगे कि जब 2000 में जब 2001 में 2000 डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरू हुआ, वहाँ पे ट्रेड के नाम से, ग्लोबलाइजेशन के नाम से, ट्रेड को एक्सेसिबल बनाने के नाम से इन्होंने तरह तरह की चीजें बनाई जिससे गरीब देश मजबूर हो जाए। उनमें ये था कि अगर आपके एग्रीकल्चर को डायरेक्ट न्यूज डायरेक्ट में तो आप मेरे ट्रेड भी देंगे, जो कंडीशन आप मेरे घर किसानों को नहीं दे सकते हैं वो आप हिंदुस्तान के किसानों को नहीं दे सकते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर सब्सिडी उनको नहीं दे सकते हैं वो इनको नहीं दे सकते। ये कौन हिंदुस्तान ने 2005 में साइन नहीं किया, तो उस टाइम पे हमारे किसानों का थोड़ा जोर था, लेकिन उसी टाइम पे उन्होंने कहा ठीक है ये देने को हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन को उन्होंने 2005 में डब्ल्यूटीओ गैस कॉन्फ्रेंस में गैस में ऑफर कर दिया। ऑफर का मतलब कि वो पक्का हो जाता है अगर आप उसको वापस जाए। आज तक वो सारी नहीं हुआ, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार ने और इस सरकार ने तो और ज्यादा तेजी से ये कमिटमेंट ले लिया है कि अभी जो लास्ट राउंड में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है इसी दिसंबर में नायरोबी में वहां पर साइन करने जा रहे थे, और ये चीज साइन होते ही हमारी जो 95% सबसे जल्दी चल रही है एजुकेशन में, जो भी हमारा बचा खुचा है सरकारी यूनिवर्सिटीज में वो भी खत्म हो जाएगा। साथियों हमें इसको इसके खिलाफ अभियान चलाना है, और अगर हमने आज ये अभियान खड़ा नहीं किया, अगर हमने 20 के गए कि टीवी सारे होने के बाद अगर अभियान नहीं किया तो हम बच नहीं पाएंगे। एक अगर टीवी सारी हो जाती है तो वो इंटरनेशनल लॉ बन जाता है। आप अगर उस तरह से काम को वायलेट करते हैं तो आपको इतनी जबरदस्त पेनल्टी लगेगी कि पूरी देश की इकॉनमी खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें रेफरेंडम बाद में करने की जगह जो इसके बाद 20 बदल नहीं पाया उस टीवी को, वो यूरोपीय यूनियन की पार्टी से बाहर नहीं निकल पाया। ये जो कटौती चल रही है सारे देशों में 2008 की वर्ल्ड वाइड क्राइसिस के बाद हेल्थ और एजुकेशन का सारा निशाना है। बड़े बड़े पूंजी आबादी देशों को मेगा किया जाए और ऑस्ट्रेलिया की नजर लगा के आम जनता को लूटा जाए, और हेल्थ और एजुकेशन दो एरियाज है जहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, और यही दो एरियाज है जहाँ पे आप बिल्कुल प्राइवेटाइज 100% इसको नहीं कर सकते, क्योंकि हर हर नागरिक को इसकी जरूरत है, गरीब से गरीब नागरिक को इसकी जरूरत है। इसलिए साथियों हमें ये आप वादा करके कर लेके चलना है कि हम इस तरह से अपने अभियान चलाएंगे, संवाद चलाएंगे पूरे देश में, और दिसंबर के पहले ये रेफरेंडम हमें इतने साल में रखना है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 14 अक्टूबर को एक नेशनल असेंबली इसी हॉल में हुई थी, जहाँ पे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सारे स्टेट यूनिवर्सिटी और कॉलेज को रेप्रेजेंट करती है, और फेडरेशन ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन जो सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रेप्रेजेंट करती है, और बहुत सारे स्टूडेंट संगठन, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया और कई संगठन यहाँ पे थे जिन्होंने इसको ये ऐलान किया कि ये नेशनल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। आपकी स्वराज संवाद के लिए सारी इन्फॉर्मेशन भी मौजूद थे कि ये नेशनल प्लेटफॉर्म जो है ये पूरे देश में अभियान चलाएगा। हम लोग सब चार बार जिस स्टार्ट में जा सकते हैं, 4 मिलीमीटर राजस्थान में जितना 4000 स्कूल टीचर वहां जमा हुए थे, जहां पर हम इस मैसेज को ले जा सकते हैं, हमें ये जाना है और आम जनता के पास ले जाना है। हर आंदोलन के साथ जुड़ना है, चाहे वो किसानों का आंदोलन है, चाहे वो अपने जंगलों को बचाने का आंदोलन है, हमें प्राइवेटाइजेशन और हिंदी प्राइवेटाइजेशन और हमें सारे हर इस आंदोलन में हमें शामिल होना है, क्योंकि आंदोलन अलग अलग नहीं है, ये सब जुड़े हुए हैं, और इससे अगर हमारी आगे पूरी आजादी और अधूरी क्यों थी, क्योंकि जब तक हम हर नागरिक को रोजगार नहीं दिला पाएंगे और हम हर नागरिक को डिग्री नहीं दिला पाएंगे, सशक्त नहीं कर पाएंगे एजुकेशन द्वारा, तो वो आजादी की स्थिति शांति है, वो नाम की इज्जत आ जाती है, और वो जो हमारी आगे पूरी आजादी है वो भी पूरी तरह से छीनी जा रही है। और ये डब्ल्यूटीओ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नया नाम है दोबारा से ट्रेड के नाम से, वो भी ट्रेड के नाम से आए तो सरकार हमारी पर हुकूमत करने चले जाए, ताकि वो ये और ज्यादा गहरे तरीके से हमें गुलाम करने जा रही है, क्योंकि हमारे दिमाग को गुलाम कर रही है। अगर ये इनका इनकी जो पॉलिसी अगर सक्सेसफुल हो गई, अभी हमने देखा 5 सालों में कितनी बार अपनी पॉलिसी को यूनिवर्सिटी में आए, 35 साल से मैं बना ली, कभी इतना बड़ा ध्यान नहीं था डेली यूनिवर्सिटी का जैसा आज है। हम तो जानते हैं टीचर जानते हैं 6 साल पहले तक हम क्या कर पा रहे थे आज सिस्टम में, और आज सेमेस्टर सिस्टम में कोई बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है, समझने का टाइम नहीं, समझने का टाइम नहीं, इम्तिहान में खराब करते हैं, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नंबर करा के देखिए ताकि किसी को पता न चले कि बच्चा कुछ सीख नहीं रहा है। हर जगह मैं आसाम गई, मैं राजस्थान की हर जगह बता रहे हैं कि हम 2% के बच्चे को
डॉक्टर